बचे हुए खाने का क्या होगा? बचे हुआ बचा हुआ खाना सबसे ज्यादा मुश्किल में होगा। तो हमने भी इस साल में लर्न किया और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और मुझे तवक्को भी है कि जो लर्निंग हमें हुई है फुल हो तो दिक्कत महसूस नहीं करेंगे लोगों को समझ आ गया आपको एक एम्बुलेंस एक ड्राइवर किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज हमारे पास ना एक डिस्पेंसरी है जिसमें तमाम बच्चों की उनके पेरेंट्स की जाती है और वो डॉक्टर जो है उसको हमने रेजिडेंस दिया कि आप ये नहीं है कि आप चले जाएं और उसके बाद अगर उनको उनको हमने रेजिडेंस दी है और 24 आवर्स अवेलेबल है लेकिन ड्यूटी के टाइम से 8 से 4 तो वैसे ऑब्लिगेटरी है कि अगर रात को जरूरत है। इस तरह ही कोशिश कर कर आके कुछ लर्न करके कुछ लोगों से सबक ले के 21 साल का 8 साल बता रहे हैं बल्कि कल 11-22 वालों ने नेशनल वॉलंटियर डे मनाई दो पे भी आई उसमें हाँ उसमें रुबीना को उन्होंने बेस्ट वॉलंटियर ऑफ लाहौर तो सबसे अहम बात नेक नाम है सबसे अहम नेक नाम है कि आपने इसने वक्त दिया सोच भी सोच देना सबसे मुश्किल काम है फिजिकली तो आए खड़े हो गए आपने नींद तो नहीं उठानी नींद उठने ये लग रही है लेकिन चीज़ों की मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो यहाँ हो और ये सबसे अहम मुश्किल और सबसे अहम काम कि अगर आप ये प्लान नहीं करते तो नहीं कर पाते और अगर आप प्लान करते हैं तो आप थिंक थ्रू करने के लिए एक वक्त देते वो वक्त आप अपनी ज़रूरियात के वक्त से निकाल देंगे बहरहाल और इसकी तौफीक अल्लाह ताला देते हैं बंदा अपने नीयत शायद